सुहानी को धोखा देकर रणवीर करने वाला है अब रिया के साथ शादी, पलटेगी शो की पूरी कहानी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना, हम बात कर रहे हैं शो सिर्फ तुम के बारे में, जहां देखने को मिला कि किस तरीके से अब सुहानी के प्यार को मानने से कर दिया है हमारे रणवीर ने इनकार। तो आप सभी को बता दें कि शो के अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अब रणवीर जो है वो जा पहुंचेगा सुहानी के पास और कहने वाला है कि मैं रिया के साथ शादी करूंगा। अगर आपको बता दें कि रणवीर ने सुहानी के साथ अपनी शादी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से तोड़ी थी क्योंकि रिया के डैड ने रणवीर को किया था ब्लैकमेल कि मैं सुहानी को जान से मार दूंगा अगर तुमने मेरी बेटी रिया के साथ शादी नहीं की। और ये बात भी हम सभी ने देखी थी कि किस तरीके से अब पूरे कॉलेज के सामने सुहानी और रिया ने एक दूसरे को चैलेंज दिया था कि रणवीर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होगा। जी हाँ, जैसे ही सुहानी को पता चलेगा कि रणवीर तो अब उसका नहीं रहा, अब रणवीर होने वाला है हमेशा हमेशा के लिए रिया का, तो ऐसे ही अब सुहानी के पैरों तले खिसक जाने वाली है जमीन। दोस्तों, अब क्या दिलचस्प मोड़ लेगी शो की कहानी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल।